ए जौहर फैंस एसोसिएशन के हयात जफर आशमी जी हैं, जो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं इस महामारी में कि अपने मेरे घर को 50 बेड का कोविड हॉस्पिटल बना लो। इन्होंने सीएमओ को एक चिट्ठी लिखी है, इन्होंने कहा है कि 50 बेड वाला एक कोविड हॉस्पिटल मेरे घर में ही बना लो। हिंदुस्तान इस वक्त एक ऐसी वबा से जूझ रहा है जिससे निजात पाने के लिए तमाम मजाहिब के लोग बहुत सारा हताश और परेशान हो चुके हैं। इस पर काबू अभी तक नहीं पाया जा रहा है। अस्पताल के बाहर चौखट पर दम तोड़ दे रहे हैं। ऐसी दर्दनाक हादसात को देखकर हमने जिलाधिकारी कानपुर नगर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखा है। पत्र में मैंने मांग की कि हमारे पास स्पेस है, परमाइसेस है, हम चाह रहे हैं कि आप हमारे घर को 50 बेडों का कोविड हॉस्पिटल बना दें। इसमें आने वाली जो भी समस्याएं होंगी, अगर आपके पास बेड अवेलेबल नहीं है, आपके पास मेडिकल स्टाफ नहीं है, तो जौहर एसोसिएशन जो अपना चैरिटेबल क्लिनिक चलाती है, जौहर एसोसिएशन अपना पूरा स्टाफ, मेडिकल स्टाफ आपको प्रोवाइड करने का काम करेगी। हम अपने घर पे पानी, बिजली की सारी तमाम सुविधाओं के साथ आपको प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। ताकि भी मुरादाबाद के डीसीपी ने परसों फोन कर हम लोग से वेंटिलेटर की दरकार की कानपुर में। उनके इस दरकार पर हम लोगों ने कानपुर के चांदनी हॉस्पिटल में उनको वेंटिलेटर बेड भी दिलाने का काम किया। उनके एक पेशेंट को नीड थी। इससे पहले कानपुर कमिश्नर की तरफ से हम लोग को ऑक्सीजन की नीड उन्होंने बताई कि 112 में नीड है, उस नीड को भी हमने पूरा करने का काम किया। 5 दिनों से हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं, जिसमें जो नीडी पीपल्स है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सिलेंडर देते हैं, और जो लोग सक्षम होते हैं उनसे वो कॉस्ट ली जाती है जो रिफिलिंग चार्जेस होते हैं। हयात जफर आशमी जी का इंटरव्यू लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सो सर, कुछ कहना चाहेंगे, कैसे शख्स है वो? हयात जफर जो है शख्स, इनकी शख्सियत, ये पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं। ये हमारे मोहल्ले की शान है, ये सेकुलर आदमी है, ये कांग्रेस से जुड़े हैं, इनके परिवार के सभी लोग, और ये खिदमतें खर्च करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इनके अंदर ये भावना नहीं है, ये इंसानियत की पूजा करते हैं। जी कैसे इंसान है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करते हैं काम, हम लोगों का साथ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हर परेशानी में खड़े हो जाते हैं हमारे। बहुत बेहतरीन आदमी है, खिदमत कर रहे हैं आवाम के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे आदमी, बहुत नेक आदमी है, ये हमारे महल्ले के बहुत हमदर्द आदमी है। हयात जफर आशमी जी को जानते हैं आप? जी हाँ। कैसी पर्सनालिटी, कैसे शख्स है वो? अच्छे हैं जफर आशमी साहब जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं जफर आशमी जी। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। हाँ, महल्ले में जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पहचान कैसे बनी है? काम की बुनियाद पर लोग मुतासिर हुए, लोगों के अंदर हम लोगों के कामों को देखकर, क्योंकि 15 साल के इस अरसे में हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया, इंसानियत थे, कोई क्षेत्र हमने छोड़ने का काम नहीं किया। वो तो 56 बच्चों को हम लोगों ने एजुकेशन फील्ड में गोद ले रखा है, तो उनके एजुकेशन और उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी संस्था उठा रही है। इसके साथ ही जब जब आपदा आई है देश में, चाहे वो केरल की बाढ़ हो, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बाढ़ हो, चाहे बिहार की बाढ़ हो, जब जब आपदा आई है इन 14 वर्षों में, हमने हर देश के हर संकट के समय पर हर संभव मदद के लिए अपने आप को तत्पर रखने का काम किया है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग हयात जफर आशमी जी के क्षेत्र में हैं, इनसे बात कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे आगे बढ़े, क्या मोटिव है और किस प्रकार से ये लोगों की सहायता कर रहे हैं। क्या सिर्फ उधर सभी धर्मों के लिए आप आगे आते हैं या सिर्फ मुसलमानों के लिए? 2012 में मोती जी स्वरूप नगर के बाबा के सामने एक पार्क के पीछे दो बच्चे हैं, एक वालिद के, इनके वालिद का नाम सुनील है, इनके दो बच्चे थे आर्यन और आयुष। इन दोनों बच्चों को कैंसर था, इन कैंसर पीड़ित थे दोनों बच्चे, इनका इलाज हमारे संस्था ने कराया और यहाँ से मुंबई के टाटा हॉस्पिटल तक ले जाकर उनका इलाज कराया। उनके ऑपरेशन में 8,89,000 रुपए लमसम खर्च हुए, जिसको हमने वहां किया, ना हमने सरकार से मदद मांगी, ना पब्लिक में आकर किसी से चंदा फंड इकट्ठा किया। चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में अच्छी हो। लड्डू टोड़ा बनाते हैं, इसके अलावा कुछ मीठा, कुछ जब कोई भी काम हो लेकिन कुछ मीठा हो जाए। हाँ, लड्डू टोड़ा बनाते हैं, चाहते हैं कि लड्डू पेड़ा खूब बिके और तरक्की हो। हाँ, वो तो सब चाहते हैं। इनका भविष्य में राजनीति में इरादा है आने का, या ऐसे ही खिदमत करना है मानवता के नाम पर लोगों की? कैमरा पर्सन सैफ के साथ मैं फैज रसूल, एंटी क्राइम टाइम्स, कानपुर।